ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे जारी है। पिछले एक घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है सर्वे की शुरुआत हुए। सर्वे में दोनों कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी है, साथ ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील नहीं पहुंचे, ये बड़ी जानकारी। परिसर में सर्वे टीम के 46 सदस्य मौजूद हैं। दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। सुबह के 9:31 हो रहे हैं और दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे का काम जारी रहेगा। दोनों कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी सर्वे में, साथ ही 46 सदस्य टीम है जो सर्वे में मौजूद है। दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन का सर्वे सुबह शुरू हो गया है। एक घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, सर्वे जारी लगातार। दोनों कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी सर्वे में और मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील नहीं पहुंचे, ये जानकारी मिली है। और परिसर में सर्वे टीम के 46 सदस्यों की मौजूदगी है। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ है। शिवांगी, एक घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है सर्वे में, दोनों कोर्ट कमिश्नर मौजूद रहते हैं, 46 सदस्य टीम सर्वे कर रही है, सबके मोबाइल फोन्स को डिपॉजिट किया गया है, सिक्योरिटी मल्टीलेयर्ड में देख पा रही हूं आपके माध्यम से, और क्या अपडेट्स इस वक्त मिल पा रहे हैं? साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनकी गैर मौजूदगी का भी इनपुट आपने साझा किया। बिल्कुल निधि, लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि सर्वे शुरू होना था, सर्वे शुरू हो चुका है, एक घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, और वीडियोग्राफी इसी के साथ साथ एक एक जो सबूत है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ लिख के आता है, लेकिन अब पुलिस के लिए धीरे धीरे, सुबह से हम देख रहे थे कि थोड़ी आसानी हो रही थी क्योंकि भीड़ कम थी, अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, लोगों को, श्रद्धालुओं को संभालना मुश्किल हो रहा है। और ये जो गली, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि जहां पर भक्तों की एक लाइन लगाई गई थी, तो अब एक साथ भारी संख्या में भक्तों को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है, बल्कि छोटी छोटी टुकड़ियों में भक्तों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। 10 से 15 का जो बैच है उसमें भेजा जा रहा है। कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे कि पहले एक जगह से अनाउंसमेंट की जा रही थी, अब 2 से 3 जगह, अलग अलग जगहों से अनाउंसमेंट की जा रही है, और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा एक साथ ना किया जाए। हालांकि जहां तक हम और आप बात कर रहे थे कि आखिर मुस्लिम पक्ष के वकील क्यों नहीं पहुंचे, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है, और ये देखना होगा कि क्या कुछ होगा जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी। कुछ भक्तों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इसी बीच, और भक्त क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, वो भी सुनेंगे। लगातार आप देखिए, ये पूरा इलाका भक्तों की भीड़ से पूरा भरा पड़ा है, लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आ रहे हैं, और साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर दर्शन आसानी से करने का मौका मिल जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग, और आप ये बताइए, भीड़ यहाँ पर है, आप लोगों के दर्शन हो गए, दर्शन कर पाए? नहीं, दर्शन के लिए आए हम, लाइन में अभी तक लगे। कितना समय हो गया? एक्चुअली हम तो अभी 15-20 मिनट ही हुए हैं, 15-20 मिनट हुए हैं, लेकिन लग रहा है आपको कि आगे नहीं जाने दे रहे हैं, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए, तो दुविधा है यहाँ पर, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग खुशकिस्मत थे जो अंदर चले गए, जिनको जाने की अनुमति दी गई। पुलिस के लिए जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि मुश्किल हो रही है, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दर्शन हो गया है आपके? दर्शन कर लिए, कोई समस्या हुई है? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है शिवांगी के पास, तो लौटूंगी तुरंत। एक तहखाने का सर्वे पूरा हो गया सुबह के 9:33 और ये देखिए 8 बजे के आसपास ये सर्वे शुरू हुआ है, और जानकारी मिल रही है कि एक तहखाने का जो सर्वे है वो पूरा हुआ है। दोपहर 12 बजे तक का ये वक्त है, 8 से 12 बजे तक ये सर्वे जारी रहने वाला है। सर्वेक्षण करने गई टीम को तहखाने की चाबी दी गई और एक तहखाने का सर्वे पूरा हो गया। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ। सर्वे लगातार हो रहा है और लगातार हमारी टीम वहां से ग्राउंड से हर तस्वीर साझा कर रही है। अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, सर्वेक्षण करने गई टीम को तहखाने की चाबी दी गई, उसके बाद जो तहखाना है उसमें से एक तहखाने का सर्वे पूरा हो गया है, क्या ब्रेकिंग इनपुट है अंकुर त्यागी आपके पास? देखिए, इसमें जब 8 बजे के आसपास का वक्त था जब ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण शुरू हुआ था, जो सर्वे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्वे कमीशन, उनके साथ उनकी टीम में 2 लोग और मौजूद थे। इसके अलावा दोनों पक्ष हैं, उनके अपने अपने पैरोकार, उनके अपने अपने वकील इसके साथ मौजूद थे। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो तहखाने जिनके बारे में बात की जा रही थी, जिनके बारे में पहले भी बात की गई थी, जब पिछली बार ये सर्वे कमिश्नर गए थे तब साफ तौर पर उनको मस्जिद के अंदर जाने से मना कर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आपके पास मस्जिद के अंदर आकर किसी भी तरह का कोई वीडियो
फोटोग्राफी करने की परमिशन नहीं है, ना कोर्ट ने आपको आदेश दिया है और तहखाने भी नहीं खोले जाएंगे। इसके बाद 12 मई को जब पूरा कोर्ट ऑर्डर आता है तो साफ तौर पर उसके अंदर मेंशन होता है कि आप कोई भी ताला हो उसको खोल सकते हैं, इसमें कोई भी का होता है, ऊपर नीचे अंदर बाहर कोई इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ कोई भी ताला जो भी सर्वेक्षण सर्वे के लिए ज़रूरी है उसको आप खोल सकते हैं, और नहीं खोला जाता तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर है उसको ध्यान में ही रखकर जब मुस्लिम जो पक्ष हैं उनको भी समझाइश की गई है, कल भी एक मीटिंग हुई थी इसमें समझाइश की गई थी, उनसे साफ तौर पर कहा गया था कि इस पूरे मामले में कॉपरेट करें, कानूनी मामला है, कोर्ट का आदेश है। और उसके बाद आज जब ये पूरा का पूरा सर्विस शुरू होता है 8 बजे, और अब जब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, तो जब ये वाली बात है कि पहला तहखाना है उसको खोल दिया गया है, खोलने का वजह यह है कि किसी भी तरह का रेजिस्टेंस निकल कर नहीं आया है, जो रेजिस्टेंस पिछली बार फील किया गया था जब हमने देखा था कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई थी, धार्मिक नारे लगाए गए थे और साफ तौर पर अंदर जाने से मना कर दिया गया था, तो वो जो रेजिस्टेंस था वो इस बार नहीं था। इस बार बिल्कुल किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टीम जाती है, सर्विस शुरू करती है, पहला तहखाना खोल लिया जाता है, चाबी दी जाती है, तोड़ने की नौबत नहीं आती। अंकुर मैं लौटूंगी आपके पास, शिवांगी भी लगातार ग्राउंड से इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो खबर आपसे साझा करते हैं। तो सर्वे जो शुरू हो चुका है, एक तहखाने को खोला गया है, उसका सर्वे हो गया है, साथ ही साथ जो जानकारी इस बीच सामने आ रही है, एक तहखाने का सर्वे पूरा हो गया है, सर्वेक्षण करने गई टीम को तहखाने की चाबी सौंपी गई, उसके बाद तहखाने का जो सर्वे था वो पूरा हुआ, ये जानकारी इस वक्त हमें ग्राउंड से मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। दूसरे तहखाने का सर्वे शुरू किया गया, सुबह के 9:37 के देखिए, सुबह 8 से दोपहर 12 तक के सर्वे जारी रहने वाला है, 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो रहा है, एक तहखाने का सर्वे पूरा हो गया है और दूसरे तहखाने का जो सर्वे है, जो सर्वेक्षण है, वो शुरू होने जा रहा है। तो ये जानकारी इस बीच सामने आ रही है। सर्वे से पहले तहखाने की सफाई बाकायदा की गई, ये जानकारी मिल रही है। तो एक तहखाने को खोला गया, सर्वे पूरा किया गया, अब दूसरे तहखाने की बारी है, उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, सफाई जो है लगातार वो बंद तहखानों की हो रही है, लगातार सर्वेक्षण जारी है। एक तहखाना पूरा हुआ जिसका सर्वेक्षण हो चुका है संपन्न, और दूसरे तहखाने की बात करें उसको खोला जा रहा, उसके सर्वे की पूरी प्रक्रिया जो है वो मिल रही है जानकारी। दूसरा तहखाना खोला गया, अमित प्रकाश हमारे साथ हैं। अमित प्रकाश, सुबह 8 से दोपहर 12 तक सर्वेक्षण का काम जारी रहने वाला है, शुरुआत हो चुकी है, एक तहखाने का सर्वे हो चुका है, दूसरे तहखाने की सर्वेक्षण की तैयारी जारी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सबसे पहले तो आपको तमाम अपडेट्स दूं, उससे पहले आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देता हूं। इस वक्त ये तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद से 100 मीटर से भी कम दूरी की है, जहां ये लास्ट बैरिकेड है। आपको दाहिनी तरफ अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं इनके आने जाने में थोड़ी सी ढील अभी दी गई है, क्योंकि लगातार लोग परेशान हो रहे थे, इन गलियों में उनके घर हैं और इन घरों में सीधा इस रास्ते से जाने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। हालांकि उन्हें ये कहा गया है कि वैकल्पिक रास्ते अगर हैं उन रास्तों से वो आ जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से क्लोज है। यहाँ से सिर्फ आई कार्ड देख के पुलिस के अफसरों को ही जाने की इजाज़त है, और यहाँ के आगे अगर पुलिस के लोग भी जा रहे हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन से यहाँ जमा हो रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन लेके इस पॉइंट के आगे कोई भी नहीं जा सकता। हम तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तहखाने के सर्वे के बाद अब चूंकि ये बात कही गई है और इस बात को कोर्ट ऑर्डर में भी कहा गया है, अभी तकरीबन 9:40 का वक्त है, 2.5 घंटे के आसपास का वक्त, 2.5 घंटे से भी कम वक्त अब शायद बचा है, और उसके बाद लगातार टीमें अंदर काम कर रही हैं। और ये बात कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आज 8 से 12 के बीच में सर्वे पूरा नहीं होता है तो अगले 3 दिन मैक्सिमम टाइम जो ये कहा गया है कि आपको अधिकतम 3 दिन का समय उनको दिया गया है, कल भी टीमें आएंगी अगर आज का पूरा नहीं होता है तो, और उसके बाद फिर अगले 1 दिन और, यानी कि कुल 3 दिन में इस सर्वे को पूरा करने के बाद 17 मई को कोर्ट में तमाम साक्ष्यों और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ टीम को प्रस्तुत होना है, और वहाँ जज साहब के सामने वो तमाम चीज़ें, तमाम साक्ष्य जो इस जगह से इकट्ठा किए गए हैं उनको वहाँ पर जमा किया जाना है। उसके बाद फिर आगे क्या होता है ये कोर्ट तय करेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त की तस्वीर 2.5 घंटे से भी कम का समय, और तमाम लोग जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, आप देखिए एक तरफ की तस्वीर मैंने दिखाई थी आपको, ये दूसरी तरफ की तस्वीर है गली के एक दूसरी तरफ की, जहाँ तमाम लोगों को ये कह के रोका गया है कि भाई अभी 12 बजे तक उनको किसी भी प्रकार से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप भी काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, बताया गया है कि 12 बजे तक इधर नहीं जाया
हामिद के पास हम लौटेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, एक तहखाने का सर्वे पूरा हुआ है और अब अगले तहखाने के सर्वेक्षण की तैयारी जारी है, सफाई लगातार हो रही है। मैं सीधे ग्राउंड पर चल रही हूँ, वहां पे जा रही हूँ मैं जहाँ पे सर्वे यानी सर्वेक्षण हो रहा है। शिवांगी ठाकुर, ओवर टू यू, आप बताइए किस तरीके से आप व्यवस्था देख पा रही है। पहली चीज मल्टीलेयर सिक्योरिटी है, दूसरी चीज साथ ही साथ जो भक्तगण है वो भी कतारों में इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एक तहखाने का सर्वेक्षण सफलतापूर्वक हुआ, दूसरे तहखाने के सर्वेक्षण की तैयारी हो रही है। निधि, देखिए जिस हिसाब से और जिस तेज़ी से ये पूरे तहखाने की हम कहें सर्वेक्षण जो है पूरा कर लिया गया है एक तहखाने का, तो अगर इसी तरह से पूरा ये सर्वे चलता रहा तो जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी 2 घंटे से ज़्यादा का समय और बचा हुआ है और ऐसे में ये देखना होगा, तहखानों को पहले खुलवाया गया, सफाई की गई, उसके बाद ये सर्वे किया जा रहा है। और जहाँ तक हम और आप बात कर रहे थे कि इस वक्त ग्राउंड पर सुरक्षा की जो स्थिति है वो कैसी है, तो ज़रा ये देख लीजिए तस्वीरें कुछ ऐसी है। इस गेट पर कुछ समय पहले तक भारी भीड़ हुआ करती थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे, सवाल कर रहे थे, सुरक्षा कर्मियों से अनुमति मांग रहे थे कि इसी गेट से अंदर जाने दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे एरिया को आप देखिए खाली कराया गया है, जो भक्त भी है वो बहुत कम संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक सिंगल लेन बनाकर इस गली से भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं, और यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, तमाम प्रशासन के लोग यहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आए, जो लोग यहां दर्शन करने आ रहे हैं उनको कोई बाधा नहीं हो। हालांकि लोग से जब हम बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी पहली इच्छा तो यही थी कि वो इस मुख्य द्वार से अंदर जाएं, यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर और इसी के साथ साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो रास्ता है वो जाता है, सभी की ख्वाहिश थी। खासकर जो दूर दराज के इलाके से लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनकी, जो दोबारा आए हैं वो तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस गेट से नहीं जा पाए तो हम इस सकरी गली से चले जाएंगे, लेकिन बाबा के दर्शन होने ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ से जाना चाहते थे। हालांकि इस बड़ी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, चप्पे चप्पे से खबर पहुंचा रहे हैं। अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और अंकुर के पास इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग है। अंकुर, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त जिस बारे में लगातार बात की जा रही थी, सर्वे और सर्वे कमिश्नर और उसके बाद की पूरी वीडियोग्राफी किया जाना, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और शुरू हो चुकी है जिसका नाम है राजनीति। जी हाँ, इस अभी थोड़ी देर पहले ही जो ओबीसी हैं, एआईएम के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान के मुताबिक सर्वे का जो ये फैसला है ये असंवैधानिक है, वो बार बार जो जो पुराना कानून है उसकी दुहाई देते हुए कहते हैं कि सर्वे का जो सर्वे करवाया जा रहा है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, और ये उनके बयानों में पहले भी देखने के लिए मिला था। लेकिन इतना अब भी हम आपको डायरेक्ट उनकी उन्होंने जो कहा है शब्द कि क्या उनका बयान है इस पूरे सर्वे को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। सर आप बताइए, आज से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होने जा रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि वो जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो गलत फैसला है। इसलिए गलत है क्योंकि वो भारत की संसद में जो पार्लियामेंट में हमने एक्ट पास किया था 1991 का, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मंदिर मस्जिद रहेगी उसको नेचर कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। अब इस तरह का ऑर्डर देकर हो तो उस एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था राम मंदिर का टाइटल सूट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है 91 का एक्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फैसला गलत आया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, जैसे चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई करेंगे। सर, नेचुरल जो कैरेक्टर है वही चेक करने के लिए ही तो शायद सर्वे ना, ना आप देखिए, अब जो हम इसका फैसला कर चुके हैं कि 15 अगस्त को 1947 को जो जैसी मस्जिद मंदिर गिरजाघर थी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आप ये क्यों चेंज कर रहे हैं जब कानून है ना उसका? जब कानून होगा तो कानून का उस पर अमल होगा, उसको कानून फॉलो करिए, या नहीं तो देश के प्रधानमंत्री बोल दें कि मैं 91 के एक्ट को नहीं मानता हूँ, मेरे पास 300 मेंबर हैं लोकसभा में, राज्यसभा मेजॉरिटी में, पार्लियामेंट से कानून बदल दूंगा। मगर जब तक कानून है कानून पर अमल होना चाहिए। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक और ताज़ा अपडेट मेरे पास है। ये बताया जा रहा है जिस तरीके से सर्वे का काम अंदर चल रहा है, जो वीडियोग्राफी और साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास का जो तमाम साक्ष्य और तमाम प्रमाणों की जो बात हो रही है, एक दिन में वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए
अब ये बात कंफर्म है कि कल भी सर्वे की टीम यहाँ 8 से 12 के बीच पहुँचेगी। हालांकि कोर्ट ने जो कहा था 3 दिन का अधिकतम समय उन्हें दिया जाएगा, तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ से जो टीमें अंदर दाखिल हुई हैं वो जो सर्वे 8 बजे से लगातार चल रहा है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, उन सब के बीच अब यह तय हो गया है कि आज वो काम पूरा नहीं हो पाएगा और कल भी टीमें यहां पर पहुंचेगी। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।